हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ब्लॉगर कृष्णा। और ये देखिए, आज मेरे यहाँ ये 4-5 थैली एक दिन की रखी रह गई थी, तो मैं इससे पनीर बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये बॉईल करने रखा है और इसमें हल्का सा मैंने 2-4 बूंद विनीगर डाल दिया था। अगर आपको लगे तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं, ऐसे तो और भी अच्छे लच्छे बनते हैं इसके। तो ये देखिए, इस प्रोसेस से हम आज घर पर ही पनीर बना रहे हैं। ये मेरी 4-5 थैलियाँ थी, तो अब ये देखिए ये कितने अच्छे से जम गया है। इस स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। इसे अब स्ट्रेन करना है, एक छन्नी से छान लीजिए। ये देखिए, अब हम इसे एक स्ट्रेनर रख के छान लेते हैं। आप चाहें तो दोस्तों एक पतला सा कपड़ा, मलमल का कपड़ा रख के ही छान सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही छान रही हूँ। देखिए, और इस पानी को दोस्तों फेंकिए मत, ये बहुत यूजफुल पानी है। इससे आप आटा गूंथिए, नान का आटा गूंथिए, कुछ भी आप इससे यूज कर सकते हैं। इसे फेंकिए मत, बहुत ही अच्छा पानी होता है ये। आप इसे आटा लगा सकते हैं रोटियां बनाने के लिए, और ये इस तरीके से इसे छान लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, अब इसे 3-4 पानी से साफ करके धो लीजिए, ताकि इसमें जो विनेगर डाला उसका खट्टापन हट जाए। अब मैं इसे धो के छान के बताती हूँ आपको, है ना। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक कपड़े से अच्छे से इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए इस तरीके से, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से निचोड़ लीजिए इसे। और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए, अब इस स्टेज पे दोस्तों, ये जब पोटली से सारा पानी निकल जाएगा तो ये एक छेना का रूप ले लेगा। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, पनीर बनाइए, कलाकंद बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं, छेना बना सकते हैं, है ना। ये देखिए, इसको अब हम एक प्लेट में, इस तरीके की प्लेट लेके, ये देखिए ऐसे इसको अच्छा टाइट ऐसा डो बना देते हैं। इसके ऊपर एक अच्छा सा भारी सा कुछ वजन रख के इसका पानी और एक्सेस पानी निकलने देंगे। इस तरीके से कुछ भी पटा या कुछ भी हैवी ऐसा रख दीजिए इसके ऊपर, कुछ भी लोड रख सकते हैं, ताकि ये दब जाए। और देखिए दोस्तों, इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको पनीर कैसे बनता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्योर पनीर बनता है दोस्तों घर पे, बहुत ही प्योर कलाकंद आप घर पे बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, 20-25 मिनट रखने के बाद ये इस तरीके से ये जम जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया पनीर, सॉफ्ट पनीर बना हुआ है। और आप इसे चाहो तो ऐसे कट कर लीजिए। देखिए, बहुत ही फ्रेश पनीर बना हुआ है। ये इस तरीके से काट के क्यूब बना के रख लीजिए। और आपको अगर कलाकंद कोई मिठाई बनानी है तो आप इसको अच्छे से मैश करके और फिर और चीज़ें आप मिला सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं इसको काट के बताती हूँ डाइस में। आप अपने आवश्यकता अनुसार साइज में, शेप में काट सकते हैं। ये मैं स्क्वायर में काट रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लजीज पनीर बना हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे पनीर टिक्का कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से ये पनीर बन जाता है। आप इसे फ्राई करके, सब्जी बना के कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।
पीस थोड़ा।